रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केंद्रों पर दो घंटे पहले पहुंचे लोग, स्टॉक खत्म, आज टीकाकरण नहीं। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, ट्विटर जल्द करेगा अधिकारी नियुक्त। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई न होने से रविवार 4 जुलाई को शहर के किसी भी सरकारी तथा मनपा सेंटर पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बताया कि नई खेप आने पर वैक्सीनेशन की सूचना जारी की जाएगी। शहर के अधिकतर वैक्सीनेशन केंद्रों पर 1 बजे तक लोगों की भीड़ बढ़ती रही। अमूमन हर केंद्र पर 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक थी। 1 से 1.5 घंटे तक लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग एक सेंटर की भीड़ देख दूसरे सेंटर जा रहे थे। 23 जून से इस आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 10 दिन में 6 दिन वैक्सीनेशन बंद रहा। केवल 4 दिन ही वैक्सीनेशन हो पाया है। कभी भी वैक्सीनेशन बंद होने से युवा वर्ग अब पहले वैक्सीनेशन लगवाने की चिंता करने लगे हैं। इसीलिए जब भी वैक्सीनेशन शुरू होता है, इस आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेशन लेने पहुंच रहे हैं। मनपा को अब तक 90,1290 डोज प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8,16,730 डोज कोविशील्ड और 84,560 डोज कोवैक्सीन लगवाने वालों की संख्या 10% व कोविशील्ड लगवाने वालों की संख्या 90% है। दूसरी खबर, वाड़ी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। अज्ञात वाहन चालक की टक्कर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक बड़ी टेकड़ी निवासी लक्ष्मण उकड़राव सोमकुवर बताए गए। शुक्रवार की रात 8:30 बजे के दौरान लक्ष्मण अपनी बाइक पर जा रहे थे। अमरावती रोड पर वेलट्रीट अस्पताल के पास अज्ञात वाहन चालक ने लक्ष्मण की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। लक्ष्मण बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लक्ष्मण की मौत हो गई। पास में मिले दस्तावेजों से पहचान हुई और परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। वहीं तीसरी खबर, भारत सरकार से तमाम विवाद के बाद अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने हाल ही में भारत सरकार के नए आईटी कानून को अपने प्लेटफॉर्म पर लागू किया है। नए नियम के तहत ट्विटर ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी की थी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। अब ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह जल्द ही नए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। पिछले सप्ताह ही 27 जून को ट्विटर के भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चातुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए सूचना प्रौद्योगिक नियमों के तहत भारतीय उपकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।